गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत दिनों बाद मैं आपसे लाइव में बात कर रही हूँ। कुछ था नहीं बीच में, इसलिए अननेसेसरी आने का कोई मतलब तो बनता ही नहीं है। लेकिन जो अब मुझे पता चल रहा है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दूँ कि अब तक जो मुझे पता चला है उसका। एसएससी का जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम देखो, सबसे मेन चीज़ है कि मार्केट अब बहुत ख़राब हो गया है, क्योंकि बच्चों का विश्वास बहुत ज़्यादा ही उठ चुका था एसएससी से, और एसएससी की तरफ से कोई भी पहल नहीं की जा रही है जिससे थोड़ा सा विश्वास जमे। लेकिन जो थोड़ा बहुत मालूम पड़ रहा है वो ये मालूम पड़ रहा है अब कि एसएससी में एक तरह से देख लो तो वो सिर्फ एक टेस्ट कर रहे हैं कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक चल जाए। और पहले उन्होंने स्टेनोग्राफर वगैरह का एग्ज़ाम का पहले उन्होंने डेट दे दिया है, क्योंकि सबसे मेन एग्ज़ाम होता है सीजीएल, और सीजीएल में एसएससी थोड़ा कहते हैं ना, दूध का जला भी छाँच भी फूंक के पीता है, तो इसलिए थोड़ा सा बाद में वो कर रही है। जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार जो एग्ज़ाम है सीजीएल का, ये अराउंड फेब लास्ट में, नहीं तो मार्च बिगनिंग में होगा। इसीलिए जो मेरा सजेशन है कि अब आप लोग कंप्लीटली तैयारी में जुट जाए, क्योंकि इस बार विंटर चेंज होगा और कट ऑफ भी नीचे आने की संभावना है। और जो आपको मैं बता दूं बहुत छोटी सी बात, कि कुछ एक टीचर बाज़ार के हैं जिन लोगों ने थोड़ा सा कोशिश किया था कि नहीं हमारी भी जान पहचान है और हम भी कुछ करा सकते हैं, तो उनको भी उठाया गया है इंट्रोगेशन के लिए। तो काफ़ी अलग तरीके से कड़ाई की जा रही है, बहुत अलग तरीके से इन लोग बहुत साइलेंटली मूव कर रहे हैं, और लेकिन इन लोग पूरी कोशिश में हैं कि जो एक विश्वास बच्चों का गवर्नमेंट से उठता जा रहा है उसको रिटेन किया जा सके। और इसीलिए जो वेंडर चुना जाएगा वो पूरी कोशिश की जाएगी कि अच्छे से एग्ज़ाम कराए। और इस बार देख लो आप लोग कि फ़र्स्ट टाइम वो वेंडर के हाथ में पेपर रहेगा, इसलिए वो भी पूरा प्रिकॉशन लेगा, तो संभावना बहुत अच्छी है। और मेहनत वालों के लिए, तो मेहनत वाले करने वालों के लिए बहुत अच्छी संभावना है, बस अच्छे से मेहनत करो और कोशिश ये करो कि फेब के पहले पहले आप इस ईयर के एंड तक अच्छी तैयारी कर लो, ताकि मार्च तक आप एकदम रेडी हो जाओ, फेब लास्ट तक आप लोग एग्ज़ाम के लिए। और जो भी मेरे बैचेस चल रहे हैं, मेरी कोशिश भी यही रहेगी कि मैं आप लोग को बहुत अच्छे से तैयार कर दूं एग्ज़ाम के लिए। मेरा एक नया बैच आने वाला है 22 नवंबर को, और इसमें मैं बहुत बेसिक से लेके अप टू मेंस लेवल तक पढ़ाऊँगी। दोपहर का टाइम रहेगा, इसीलिए ठंड के मौसम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। मुखर्जी नगर में ही बैच आ रहा है, तो आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर लो। अब आते हैं मेन कि 2018 के बारे में मैंने आपको बता दिया। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सीपीओ का क्या रहेगा, तो देखो एक चीज़ है, सबसे पहले उन्होंने स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम इसलिए रखा है क्योंकि वो सिर्फ एक कहते हैं ना टेस्ट करना, वाटर टेस्ट करके उसमें कूदना, बस वही है। एक बार थोड़ा सा हो जाए उसके बाद आप स्ट्रेट अवे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सीजीएल और सीपीओ दोनों एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस मामले में जो सीईटी की बात हो रही है, अभी तक उसके बारे में कुछ भी खुल के कोई भी कुछ नहीं कह रहा है, इसीलिए आप जान लो कि अभी फ़िलहाल। और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि सीईटी हो या कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सिलेबस तो सेम रहेगा, पढ़ना आपको वैसे ही है। इसीलिए ध्यान रखना, सीपीओ का डेट का अभी कुछ फाइनलाइजेशन नहीं है, लेकिन हाँ ये सारे डेट्स चालू होंगे वो फेब एंड से लेकर अप्रैल तक सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंडली आते हैं 2017 पे। 2017 वाले भी बहुत परेशान, उसके बारे में कुछ बताइए। देखो उसके बारे में कुछ क्या बताएं, सब तो आपके नज़र के सामने ही है, सब सबजुडिस है और उस पर बोलना भी कोई ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको पता ही है थोड़ा बहुत, तो मैंने भी लॉ प्रैक्टिस किया था पहले कोचिंग सेक्टर में आने से पहले, तो जो हमें लग रहा है, क्योंकि आप लोग सोच रहे हो सीबीआई का वो प्रॉब्लम हुआ है, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम देगी, देखो सीबीआई ने अपना स्टेटस रिपोर्ट तो सबमिट कर दिया था, और जो स्टे लगा है वो सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट पे ही उन्होंने स्टे लगाया, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब उसमें ये बताया गया है कि गार्जियन जो है, जो कस्टोडियन ऑफ द पेपर है,
वही इसमें लिप्त पाया गया है अलोंग विद सर्टेन एसएससी ऑफिसर्स। तो देखो कानून कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस। आप हमेशा देखोगे कि जो वहाँ पे जजेस भी है बिल्कुल तार्किक तरीके से डिसीजन लेती है और बहुत तर्क के आधार पर सोचती है। स्टे भी बहुत तर्क के आधार पर लगा है ये कह के कि जब गार्जियन या जो कस्टोडियन ऑफ द जो पेपर है वही अगर लिप्त है इसमें तो फ्री एंड फेयर आप एग्ज़ाम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और उनके नज़र के सामने जो एग्ज़ाम था CHSL और CGL दोनों पर उन्होंने स्टे लगा दिया। आपको बता दूँ CPO वाले बच गए, वरना अगर CPO का एग्ज़ाम का भी अगर कोई डाल दे, MTS का भी कोई डाल दे, सबका कस्टोडियन सेम है और सब पर स्टे लग सकता है। अब बोलोगे कि इसके आगे क्या होगा, तो इसके आगे तो अब जज ही फैसला करेंगे जो उनके सामने सबूत रखे जाएंगे और जो आर्ग्यूमेंट्स होगा। वरना अगर देखा जाए जिस तरह का हम लोगों ने प्रोटेस्ट देखा है और प्रोटेस्ट से जो आउटकम आया CBI इंक्वायरी का और CBI इंक्वायरी से जो निकला है, यानी कि क्या जो CBI ने अपना रिपोर्ट फाइल किया है, अगर उस रिपोर्ट को पढ़ोगे तो उसके हिसाब से अगर आप खुद अपने तर्क से सोचोगे तो पूरा पेपर कैंसिल होगा, अगर आप तर्क के हिसाब से सोचोगे तो। अदरवाइज जजेस के सामने अगर कुछ नया आ गया, कुछ नया मटेरियल वगैरह, तो हमें नहीं पता, लेकिन जो अगर आप एज अ लॉयर अगर आप बात करोगे तो मैं यही कहूँगी कि बस पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर उस रिपोर्ट के आधारित अगर कोई फैसला आएगा तो कैंसिल होगा। और मैं इसीलिए ये बारे में बताना नहीं चाहती थी और बात करना नहीं चाहती थी, क्योंकि देखो बात क्या है ना, बच्चे बहुत सारे हैं जो बहुत मेहनत करके पढ़ाई किए हैं, लेकिन अगर कहीं से जजेस को ये फील हो जाता है कि नहीं, इसमें से कुछ परसेंटेज स्टूडेंट भी अगर टेंटेड तरीके से अंदर आए हैं तो पेपर को कैंसिल करने में आज तक का जो प्रेसिडेंट रहा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा होगा, लेकिन अभी तक के जो हमने जजमेंट्स पढ़े हैं उसके हिसाब से मैं कह सकती हूँ। अब आप CPO का कह रहे हैं तो CPO का कैंसिल मैं क्यों करवाऊँ, मैं क्यों बात सुनूँ स्टूडेंट से। मैंने कह दिया कि जितने पेपर्स हैं सबके कस्टोडियन सेम थे, इसीलिए कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं 2017 का बहुत ही ऑनेस्टली मैंने बता दिया आपको, बहुत ऑनेस्टली बता दिया कि अगर जज के अगर सामने कुछ और नए आ जाते हैं सबूत तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो स्टेटस रिपोर्ट था उनके सामने CBI का, उसके आधार पर देखा जाए तो पेपर कैंसिल होना चाहिए एज पर लॉ, यू कैन से एज पर लॉ, अदरवाइज उससे अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगी इस पर। हाँ, 2018 वालों को बता दूँ कि आप लोग ढंग से मेहनत करिए, नया नया वेंडर होगा, जो भी प्रॉब्लम्स अभी तक आप लोगों ने फेस किया है सीफी में वो सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे वहाँ पे, कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा वो लोग अलर्ट रहेंगे। और इसके अलावा आप एक चीज़ और जान लो कि पेपर साफ सुथरा होने की संभावना पूरी है, इसलिए मेहनत करने वाले ज़्यादा मेहनत करो। और कोई क्वेश्चन पूछना है तो बात कर सकते हो। अब न्यू वैकेंसीज़ के बारे में अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकती आपको न्यू वैकेंसीज़ के बारे में। हाँ, ये है कि SSC कभी भी वैकेंसी डिक्लेयर नहीं करती कि हम इतने वैकेंसी हैं, क्योंकि वो आखिरी तक वैकेंसी आता रहता है उनके पास, इसीलिए आपको पहले से पता नहीं रहेगा कि कितने वैकेंसी, एज पर रिक्वायरमेंट वो लिख देती है। और किसी ने लिखा है बढ़िया खेल रही हैं मैम, देखो मैं खेल नहीं रही हूँ, ये मेरे रोजी रोटी का सवाल होता है, इसलिए मैं इसके मामले में खेलती नहीं हूँ, मैं बहुत सिंसियरली काम करती हूँ और अपने तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करती हूँ। आपको शायद पता नहीं कि अगर मार्केट ख़राब होता है तो हम लोग का भी बिजनेस डाउन होता है, इसलिए हम लोग भी बहुत प्रॉब्लम्स में हैं, लेकिन हाँ ये है कि मेरी कोशिश यही है कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो हम लोग अपने बेस्ट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। और काफ़ी न्यू बुक्स भी आने वाले हैं इस बार, आप देखोगे तो मैं 1900 जो डिटेक्टिंग एरर और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट था उसको भी मैंने अपडेट कर दिया है और वो भी बहुत जल्दी मार्केट में आ जाएगा। और टेस्ट सीरीज़ वगैरह आप देते रहो, हम केडी कैंपस का टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैं एक चीज़ कह सकती हूँ कि उनका इस टेस्ट सीरीज़ का प्रूफ रीडिंग मैं करती हूँ
और इसीलिए हमारा जो टेस्ट सीरीज है संभावना गलती होने की बिल्कुल ना के बराबर होती है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा आपको मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ, और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट्स में डाल देना अगर कुछ होगा ऐसा कोई क्वेश्चन, ताकि हम लोग देख लें और उसके बाद उसका जवाब दे सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।